एवरीवन, पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते मैं आपको लैप्रोस्कोपी, इस कॉमनली किए हुए प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। लैप्रोस्कोपी ये वर्ड दो लैटिन वर्ड से पाया गया है, लैपरा जिसका मतलब है पेट और स्कोपी जिसका मतलब है स्टडी करना। तो लैप्रोस्कोपी का मतलब है पेट के ऑर्गन्स का स्टडी करना। आज हम यूट्रस से जुड़े हुए लैप्रोस्कोपी की इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। ये टेस्ट कौन से पेशेंट्स में करने की सलाह दी जाती है? अगर आप कई दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर सक्सेस नहीं हो रहा है तो इसका कारण ढूंढने के लिए लैप्रोस्कोपी करने की सलाह दी जाती है। कई बार कपल्स ने पहले 2, 3 या 4 साइकिल IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के किए होते हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में भी लैप्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। पहले कई पेशेंट्स में HSG यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी का टेस्ट किया होता है और HSG टेस्ट में ये पाया गया होता है कि यूट्रस में या ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूब ब्लॉक्ड है। तो ऐसे केसेस में भी लैप्रोस्कोपी करके क्या प्रॉब्लम है, क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं, ये सब देखने के लिए लैप्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। लैप्रोस्कोपी एग्जैक्टली कैसे की जाती है? इस प्रोसीजर के लिए आपको सुबह बिल्कुल भूखा पेट हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। हो सकता है पहले दिन भी आपको सेमी सॉलिड्स या सेमी लिक्विड्स खाने की सलाह दी गई हो। फिर आपके हाथ की नस में एक तरह की सुई लगाई जाती है और उससे एनेस्थेशिया की दवा आपको दी जाती है। एनेस्थेशिया देके ही ये टेस्ट करते हैं, इसलिए इस टेस्ट के दौरान दर्द नहीं होता, इसका टेंशन आप ना लें। फिर आपके पेट में एक लैप्रोस्कोप नाम की इंस्ट्रूमेंट डाली जाती है। ये बिल्कुल छोटे पेन की तरह होती है, इसे आप एक तरह का माइक्रोस्कोप भी समझिए और एक तरह की दूरबीन भी समझिए। इसके दो कनेक्शन होते हैं, एक कनेक्शन होता है जो कैमरा को लगाया जाता है और दूसरा कनेक्शन होता है जो बाहर लाइट सोर्स को लगाया जाता है। ये कैमरा का जो कनेक्शन है वो बाहर HDTV को अटैच करते हैं, इसलिए यूट्रस और पेट के अंदर के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनका मैग्नीफाइड इमेज हमें बाहर TV पे देखने को मिलता है। कई बार लैप्रोस्कोपी के साथ साथ हिस्ट्रोस्कोपी की भी प्रोसीजर की जाती है। इसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले अपलोड किया गया है, इसका लिंक मैं नीचे छोड़ती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए। लैप्रोस्कोप अंदर डालने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि यूट्रस कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, बाहर से यूट्रस को कोई गांठ जैसे फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं है। फिर देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स कैसे हैं। यूट्रस को दो साइड पे फेलोपियन ट्यूब्स अटैच रहते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स का काम ये होता है कि ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम होता है उसे ओवरी में कैच करें और उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करें। कई बार लैप्रोस्कोपी के दरमियान पाया जाता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, यानी ट्यूब्स अपना काम ठीक से नहीं कर रही। ऐसे केसेस में अगर पॉसिबल हो तो ट्यूब्स को उसी वक्त खोल के दिया जाता है। कई बार ये भी पाया जाता है कि ट्यूब्स है तो ओपन यानी पेटेंट हैं लेकिन उनमें सूजन है, या उनका साइज बहुत लंबा है, या वो यूट्रस से या ओवरी से बिल्कुल चिपक गई है, या फिर कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस नाम की भी बीमारी यूट्रस के आसपास पाई जाती है। ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ हो सकती है। कई बार पेट के अंदर एडहेजन्स पाए जाते हैं। अगर बार बार यूट्रस के कोई इन्फेक्शंस हो, या पहले यूट्रस का कोई TB या ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हुई हो, या पहले आपके पेट पे ऑपरेशन हुए हो, तो यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल चिपक जाती है, या यूट्रस के आसपास का जो इंटेस्टाइन होता है वो भी आके यूट्रस को या ट्यूब्स को चिपक जाता है। ऐसे केसेस में ये एडहेजन्स लैप्रोस्कोपी के थ्रू छुड़ाने की कोशिश की जाती है, इसे एडेजियोलाइसिस कहते हैं। तो ये सब स्टडी होने के बाद लैप्रोस्कोप को पेट से बाहर निकाला जाता है। जहाँ लैप्रोस्कोप पेट में अंदर डाला था
वहाँ एक या दो जगह टाके लग सकते हैं। कुछ ही मिनटों में पेशेंट को होश आ जाता है। शुरू में उसे पानी दिया जाता है। पानी डाइजेस्ट होने के बाद फ्लूइड्स जैसे फ्रूट जूस दिया जाता है, चाय कॉफ़ी दी जाती है और फिर धीरे धीरे सॉलिड्स शुरू किए जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में उसी दिन शाम को आपको घर छोड़ा जाता है या फिर कई बार आपके डॉक्टर के मुताबिक आपको दूसरे दिन भी घर जाने की सलाह दी जाती है। घर जाते ही आप आपके रेगुलर काम, एक्टिविटीज़, जॉब सब रिज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा बेड रेस्ट की वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो टाके लगे हैं वो आपके डॉक्टर जब बोलेंगे तो उन्हें आपको खोलना पड़ेगा। कई बार पेशेंट ये टाके खोलना ही भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। लैप्रोस्कोपी के बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले ये जो लैप्रोस्कोपी का रिपोर्ट है सीडी में या प्रिंटेड फ़ोटोज़ के थ्रू दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे संभाल के रखें। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि 2-3 साल पहले लैप्रोस्कोपी की थी और रिपोर्ट्स अब खो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लैप्रोस्कोपी के बाद अगर आपको तेज़ बुखार आए, आपके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में फ़ौरन आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, लैप्रोस्कोपी के बाद जो टाका डाला है वो टाका वक्त पे खोलने की भी जिम्मेदारी आपकी है। यूजुअली लैप्रोस्कोपी के बाद 15-20 दिनों में आपको वापस हॉस्पिटल बुलाया जाता है और आपके लैप्रोस्कोपी के रिपोर्ट के हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट की प्लानिंग की जाती है। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें। आपको पत्की हॉस्पिटल की तरफ से होली की खूब सारी शुभकामनाएँ।